खान बाज़ार में दारुशिफा ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी के शमूलियत के फॉर्म्स का अफ्तिताह एम ए खवीज चारमीनार कोऑर्डिनेटर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद समीउल्लाह बहादुरपुरा कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद हाजी चंद्रन गुट्टा कोऑर्डिनेटर और भी दीगर लोग मौजूद थे। मैं अभी अपने एडवोकेट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेटर चेयरमैन कॉन्स्टेंस। आज आप यहाँ देख रहे हैं नौखा मजा दारुशफा ग्राउंड में मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। सुबह 9 बजे से काफ़ी लोग बच चुके हैं, मैं समझता हूँ हज़ारों में ही बने हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर मेंबर बनते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। और यहाँ की पुराने ओल्ड सिटी की सियासत बदलने के लिए बहुत करीब वक्त आ चुका है ये लोग का। और इंशाल्लाह ताला मैं हर एक से अपील कर रहा हूँ कि जो भी सेकुलर मुस्लिम्स हैं वो आगे बढ़ के आगे पार्टी ज्वाइन करिए, क्योंकि आज 60 साल से जो है सो ये जो भी देख रहे हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9247286117 9247286117। आप लोग देख रहे हैं कि 60 साल से यहाँ पर ओल्ड सिटी की सियासत, सब लोग मजलिस को वोट डालते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। और कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करी, बाबरी मस्जिद को जो है सो वहाँ पर शिलान्यास बिठाई, तो कांग्रेस को देखकर आप इनडायरेक्टली MIM को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं MIM को देकर। और कांग्रेस के बारे में तो आप लोग को पता है, अंग्रेज गए थे फिर कांग्रेस आ गए, अंग्रेज और कांग्रेस एक दूसरे का एक सिक्के के दो रूप है। तो मैं सबसे पढ़े लिखे लोगों नौजवान हर मेरे भाई बहन से अपील करता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करें और यहाँ के चेंजेस लेके आए। मैं मोहम्मद समीउल्लाह आज़ाद बहादुरपुरा कोऑर्डिनेटर आम आदमी पार्टी। हमारी आम आदमी पार्टी में आने का मकसद है भ्रष्टाचार, जराइम और गैम्बलिंग की वजह से एक आदमी के राइट्स हमें नहीं मिलते, इसीलिए हम अपने आदमी के राइट्स के लिए, हर इंसान के राइट्स के लिए लड़ने के लिए आ चुके हैं। लिहाजा सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे और आंध्र प्रदेश हैदराबाद में सबसे पहले हमारे को एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन होना है हैदराबाद में, फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल होना है। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल आ जाएगा तो हमारे बच्चों का एजुकेशन मुस्तकबिल बनेगा। आज कहीं पर भी नौकरी पर जाओ नौकरी नहीं मिलती, लिहाजा मैं एक ही बात यही कहूँगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए मुस्तकबिल के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल लाना चाहिए। आज ये भ्रष्टाचार की वजह से हमारे एजुकेशन को दबाया गया है, तेलंगाना में इंसानों को जाहिल बना दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से जराइम बढ़ रहा है, लूटमार, दंगा फसाद, रेप, मर्डर, ये डेवलपमेंट आ रहा है। जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा एजुकेशन में आ जाएगा तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करता हूँ कि फ्री एजुकेशन लॉन्च किया जाए। 2000 पार्लियामेंट में 9 में बिल पास हुआ, उसकी वजह से हैदराबाद में इंग्लिश स्कूल कायम की जाए। खुदा हाफिज़। और मेरा नंबर हैदराबाद कोऑर्डिनेटर बहादुरपुरा का इंचार्ज हूँ मैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9700502887। जिस आज आम आदमी में आना चाहते हो तो ये नंबर देख के हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, शुक्रिया। बदल दो ताज, बदल दो बेईमानों का राज, बदल दो, ये हमारा नारा है। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि पब्लिक से जितने भी है कि अगर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलना है तो सब ये जितने भी, जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा, आम आदमी के करीब आ जाइए। आम आदमी को पछानिए, आम आदमी आपके लिए क्या कर सकता है, कौन किसके पास आता है, इंसान को वक्त खींच के लाता है। बात इतनी सी है, बंदा परवर कि आदमी आदमी के काम आता है। मेरी गुजारिश है कि आप तमाम देखने वालों को कि आम आदमी से चयन हो जाइए। मेरा नाम जय कुमार है और जो सो मैं सिर्फ एक ही है दिल के अंदर मेरी तमन्ना कि ये झाड़ू जो है सो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले। और जो है सो आज तक देश आज़ाद होके 66 साल हो गया, 66 साल में जो भी है उल्टे उल्टे ही कामा हुए सो है। अब बिस्मिल्लाह या श्री गणेशाय नमः अब शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर जो भी है अच्छाई की शुरुआत होगी, तो इसीलिए झाड़ू चलना चाहिए। और जो है सो अरविंद केजरीवाल वन मैन शो हिंदुस्तान का जो है सो हीरो बन के आ रहा है और उसके हाथ मजबूत करना, बस यही सबसे प्रार्थना है मेरी और यही अपील है। धन्यवाद।